हाय एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस जीजी। तो अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं, जो एक रिसेंटली मैंने व्लॉग किया था जिसमें वी वेंट हाउस हंटिंग फॉर वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसको फाइनली घर मिल गया एंड आज है उसका मूव इन डे। ऑब्वियसली मेरे को जाना है और उसकी हेल्प करनी है जाकर। मेरे को जाना पड़ेगा। काफी पैकिंग हमने कर ली है, कल भी मैं गई थी एंड वी वर जस्ट पैकिंग अप स्टफ। आज तो उसके थोड़े क्या कहते हैं उसको, मूवर्स पैकर्स एंड ऑल वो सब आए हैं और नीचे टेम्पो शैम्पो आया है सामान ले जाने के लिए। उनके उसके दोनों घरों के बीच में डिस्टेंस 5-7 मिनट का ही है, ज्यादा दूर नहीं है। मेरे को एक दो सूटकेस लेके जाने अपने साथ जो मैंने रखवा दिए गाड़ी में। अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था, उसने बेसिकली अपनी पैकिंग पूरी उसको लग रहा था हो गई है, पर काफी कुछ रह गया क्योंकि किचन विचन का सामान डब्बे शब्बे डालने के लिए उसके पास कार्टन नहीं थे या पता नहीं क्या हो गया वहां पे बेसिकली। तो मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या है सिचुएशन एंड मी माय अदर फ्रेंड स्वाति एंड जो शिफ्ट हो रही नंदू, हम तीनों को मिलके सारा काम करना है। तो इसीलिए मैं ऐसे ड्रेस अप हूँ, घटिया बनी हुई हूँ बिल्कुल। मैं आपको दिखाऊंगी हम कैसे कैसे मूव इन कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब फन ना भी हो लेकिन काफी सारा स्ट्रगल जो होएगा स्ट्रगल रहेगा। मैं गाड़ी में बैठ के बात करती हूँ, बाय। टेम्पो आया है आई थिंक किसी की लोडिंग के लिए। मैं भी लाई हूँ सूटकेस, बड़ी मेमोरीज हैं इस हाउस की, बड़ा याद आएगा मुझे ये जगह। ओ, सामान काफी लोड हो चुका है। मोर सामान इज कमिंग आउट। हाँ, मैं उसमें जाती हूँ। तेरे घर का क्या हाल है? अरे यार, हाय, ओहो, तबाही मची पड़ी है। सूटकेस कहाँ है? बाहर पड़ा तो है अंधी। तो खुद क्या आई है पहले? मेरे ब्लॉग भी तो चल रहा है यार। गालियाँ नहीं अलाउड मेरे ब्लॉग में। किड्स आल्सो वॉच। सारा सामान तो पहुंच गया है नीचे ऑलरेडी। सारा ही है, अंदर जा। देखते पता नहीं क्या किया है मैंने। रुको, नहीं ठीक है, ज्यादातर जा चुका है। शो मी। ओके, करते हैं सब हो जाएगा। मैं बिल्कुल निकम्मों की तरह ब्लॉग बनाए जा रही हूँ, काम कुछ कर नहीं रही हूँ क्योंकि सारी पैकिंग हो चुकी है। मैं सुबह थोड़ा लेट पहुंची हूँ और इसने और लोगों को बुला लिया था। फीलिंग बैड। सूटकेस किसी काम का नहीं है। ये कारपेट साथ में भेज देते हैं ना। हाँ, स्वाति का है, उसका फोन आया था, वो मुझे कह रही पिक करने। मैंने कहा कि तू खुदा दे यार, मेरा प्रिंसेस है ये, उल्टा जाना पड़ रहा है इसमें। इसके अंदर किचन का भी सामान है, इसके अंदर कथा किए भी हैं, जूते भी हैं। इमेजिन, चल कुछ तो गया, रुक जा। ये पॉलिथिन क्या डाल दी है उसके अंदर सामान यार। ये देख ले मैंने क्या करा, ये तो फट के निकल जाएगा। ऐसे कैसे जाए, फट गया है मेरा। इसमें जाएगा क्या? ये देखिए कितने रिच वाले हैं। तो रिच से क्या होता है, अंदर तो खनकेंगे ना वो। अंदर वो हमारा नहीं है वो, ये डाली जा रही है, अभी भी हटाई जा रही है। मान ही नहीं रही, ये हमारा नहीं है। खनकेगा तो क्या करूँगा मैं इसको, सर पे लेके जाऊँ। ये सब तो क्योंकि ब्यूटीफुल चीज, ये काम की चीज है। ये काम की चीज है, ये भी लेने, ये लगेगी आज। ये भी फटके ना निकल आए। फटके क्या होता है, बास्केट है वो, ये टूट जाएगी अपने पास। ये असली है इसमें? नहीं, उसमें पौधा लगा है, उसमें कैसे असली होएगा यार। ये ऐसे खनकेंगे ना, ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर खनकेंगे क्या होता है, चूड़ियां है ये। चूड़ी खनकेंगे। अब डालने के लिए चीजें नहीं बची हैं, सब डल गया है। हाँ, तो ये तुम्हारा समस्या है। गुड ना, यही एम था हमारा। नहीं, उल्टी बात कर दी मैंने। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। मैं तेरे जूते मारूंगी, अभी भी पड़े हुए हैं। हर कोने में गलत सामान है इसके। ये भी डालो, क्या सब डाल दो। पार्टी में जा रहा सामान, क्या करूं मैं। और कुछ सामान ऐसे भी जा रहा है टोकरियों में, कुछ सामान ऐसे जा रहा है पौधे। ये सब धोखा है, इन्होंने दारू की बॉटल्स का बहुत अच्छा यूज किया है, विच इज गुड। अब मेरा हाथ उठ जाएगा। अपने गालों पे उठाइयो, ठीक है ना। स्वाति आ रही है, ये क्या है, मांजने की चीजें हैं ये। यार फिर निकल आए हैं ये, लगते पे आ रहे हैं ये, ट्रैवल नहीं हो पाते ढंग से। दीदी गुड, पार्टी कहाँ गई? ओ ये, और किचन के अंदर और भी, अभी थोड़ा कुछ बच भी जाएगा कोई बात नहीं। फ्रिज तो पूरा बचा है अभी। यू फूल, ठीक है, टॉनिक वाटर है ये, अब शाम को आ जाएगा। डाइट कोक है। हाँ, तो आई हैव टू मेक अनदर राउंड विद आउट द कौनसा कुरियर। इस घर का लास्ट कुरियर आ गया है। ओ, गुड टाइमिंग भैया। क्या है पड़े हैं दीदी वहाँ पे किसी और के? क्या है ये, वो जो सूट नहीं रह गया था, जो तू लाने वाली थी दिल्ली से। हाँ, यू ओ मी मनी फॉर दिस, दिस कॉस्टेड आई डोंट नो हाउ मच, आस्क माय मदर। आई विल टेल यू, 80 रुपीस, प्लीज टेक इट। 80 मुंह पे मारूंगी, 180 मारूंगी तेरे।
ठीक है, 100 बख्शीश रख लियो। अभी एनीथिंग इज गुड। ये बहुत चिक चिक कर रही है, मेरा मन कर रहा है मैं चली जाऊँ। ठीक है, और जो दूसरी फ्रेंड हमारी वो उसने बहुत इंटेलिजेंस की है, पहुंची नहीं है। और ये जो पहुंच भी गई है देखिए, वो भी किसी ने काम की है, मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ। बहुत अच्छा है ये। क्या बहुत अच्छा है, क्या डालूं इसमें? ये देखो, इसको पैकेट पसंद आ रहे हैं इस टाइम पे। नहीं नहीं अभी आएंगे। यू आर अ ब्लडी डम्बो गर्ल, यू नो दैट, आई एम सेइंग इट लाउड एंड क्लियर ऑन माय ब्लॉग। दीदी तालियां मार दो इस संकट की घड़ी में। मेरा ना कान खराब है। अच्छा, मैं इनको बताना भूल गई ब्लॉग के लोगों को, मेरे ना कान जो है ना उसमें बड़ी एक दिक्कत हो गई है, क्योंकि मैंने उसको स्क्रैच कर दिया और वहाँ चोट थी, अब वो सूजन हो गई है। और क्योंकि बारिश का टाइम है तो मेरे क्या कहते हैं उसको, पसनी है नहीं इसमें, ओ, तो ये वाला भी करूं खराब? नहीं नहीं, उठ जा। पसनी, सॉरी, क्या कहते हैं उसको, घाव बन गया जो हील नहीं हो पा रहा मानसून की वजह से। कहते हैं ना बारिश में चोट हील नहीं होती है नॉर्थ, तो अंदर इतनी दर्द है, इतनी दर्द है, सोच सकते हो इनके, क्योंकि लाल भी हुआ पड़े और मेरे पूरे यहाँ और यहाँ सब दर्द आ गई है, जिसकी वजह से मैं 2-3 रातों से सो ही नहीं पा रही, 2 रातों से, क्योंकि मैं इस साइड सो नहीं पाती और मेरे को करवट बदलने की बहुत आदत है, तो मेरी अब बहुत बुरी हालत है। पेन किलर खानी है अभी मुझे, एक्चुअली आई अवॉइड एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, पर पेन किलर खा लूंगी क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक ENT को दिखाना है शाम को, गौतम के साथ जाऊंगी और ENT को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी एंटीबायोटिक देनी पड़े वो चोट को ठीक करने के लिए, पर वो बिल्कुल अंदर है। मेरा कान का पर्दा ना फट गया हो, वैसे ही मैं बड़ा ऊंचा सुनती हूँ, पता है, एक ही कान रह जाएगा फिर मेरा। ये बोल रही है इन्होंने इयररिंग्स नहीं पहने हैं, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट होते हैं शिफ्टिंग में इयररिंग्स पहनने, अगर घूम गए ना ये तो मेरी मम्मी मेरी जान निकाल देंगी। तो ये बोलना कि मैंने रखे नहीं है। हाँ, मम्मी को जानते हैं, कई लोग प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल गिरी घर से शुरू होती है, कहाँ मरे हैं, नहीं तो कर ले गप्पे मार ले। एंट्री ऑफ चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट ही आए हैं, इनका नाम है चीफ गेस्ट, शी इज नॉट चीफ गेस्ट। कैरी इज एवरीथिंग डन, नो नॉट यट, कैरी मारना बताया। इन्होंने बहुत बुरा किया हमारे साथ, देख लीजिए इनकी शक्ल। तू बाय, मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ, बाय। अंदर से हाँ, सिलेब वाला बाय कर दे। बाय, यू वेरी काइंड, यू वर वेरी नाइस। इसका बैंड का काफी लोग थैंक करेंगे। क्या, चल बाय कर घर को, बाय घर, ये तमीज से करो यार, हमने कितने मजे कर रहे हैं ये वाले स्पॉट पे। स्वादि, तेरा भी बाय कर देते हैं, तेरा यूज तो है नहीं। बाय फैन, और किसी को चीज को बाय करना, बाय कबर्ड्स। ये दूसरा वाला गेट है वो खुलवाना पड़ेगा, मैं मार दूंगी। कौन सा दूसरा? 3 गेट। तो कौन सा दूसरा वाला? तीसरे में से एक खुलेगा, अंदर तक टेम्पो जाता है, वो गार्ड से पूछना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड वाला गेट जो है, मतलब यहाँ से नहीं, वो वाला तो पार्किंग वाला है, जैसे आप यू-टर्न, समझ गई मैं, फर्स्ट में आगे वाला यू-टर्न हम नहीं लेंगे ना, पीछे से जाएंगे, तो जो पहला आएगा या दूसरा, अभी लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेके स्क्रम्शियस के आगे से भी आगे वाला। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड वाला, लास्ट गेट वाला ना, वो खुलवाना पड़ता है। ठीक है, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, एक और चीज रह गई, एक और इतनी सारी चीजें रह गई थी यार। अब हम पियेंगे डाइट कोक, हमने बहुत मेहनत करी है। वेरी गुड, न्यू बिल्डिंग में आ चुके हैं। अच्छा, ये लिफ्ट के चीथड़े उड़े पड़े, क्या तोड़ा, न्यू हाउस। पहले तेरी गाड़ी में निकाल रहे हैं क्योंकि आनु को लेने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप लोग को याद है ये गाल दे। हाँ, चीयर्स। अब तू कोको कोला स्टारबक्स छोड़ के कोको कोला की एड होनी शुरू हो गई है। बट डू यू गाइस रिमेम्बर, मैंने आपको ये घर दिखाया था और बोला था ये शॉर्ट लिस्टेड हाउस है, तो ये घर अब फाइनलाइज हो चुका है, आपको मैं दिखा देती हूँ। दिस इज द बेडरूम, व्यू काफी अच्छा है, यहाँ पर्दे वर्दे आएंगे। इतनी बारिश, वाइट हो गया पूरा, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, मेरे फ्रेंड्स पागल है। My friends are just adorable. अरे
क्या कर रही हो तुम इससे? ये ऑन करना है, ये भी रूम में रख दो ना भैया। ऑन कर यार। अरे क्या कर रही है? व्हाट? वेट वेट वेट, हाथ में रिमोट है मेरे। क्या टक टक टक, क्या हो गई यार? शिफ्टिंग स्मूथ, थक गई होगी ना तू? मैं तेरी मसाज करूं हैं? थैंक्स यार, बड़ा अच्छा लैंप तूने सेट करा। बिल्कुल राइट, हमने शर्त लगाई थी, मैं हार गई हूँ। मैंने कहा था वो ऐसे पड़ी होगी स्मूथ, बिल्कुल तू एज़ यू हार गई। तू अब सो अपसेट थी ना, ये नहीं पता मेरे बारे में। जैसे हम गए हैं वैसी पाई गई है ये प्राणी। चक्कर आ रहे हैं घर देख के, व्यू देख के। कुछ नहीं फेंका इसने वहाँ पे, यहाँ पे ले आइए सारा। हाँ कूड़ा भी ले आइए ना, क्योंकि सारे बहुत लाते मार रहे हैं यार ये एक दूसरे को। लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। जोक स्लैम दो, जोक स्लैम दे दे। वेरी नाइस, कम ऑन इधर। ओके ओके, चोर ये हमारे लिए ही होती है। हाँ मेरे कान में बहुत दर्द है गाइस, मैं सोचूं कि डोलो खा लूं। डोला डोला तेरे कान में देखा, दर्द है मेरे को अंदर है, बाहर भी नहीं, पूरी यहाँ पे हो गया ना, वो नेक तक आ गया। दिख रहा है ना? नहीं देख पा रहा। आप लोग को दिख रहा है कुछ? नॉट एट ऑल। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। डॉक्टर के पास जाना नहीं है दोस्तों, इन्हें डोलो है तेरे पास, कोई भी वो है पेन किलर। पेन किलर अब ढूंढू कहाँ से, यहाँ पे कुछ मिल रहा नहीं। मंगवाते हैं नीचे तो, इसके सब कुछ है, मेडिकल स्टोर है। खा के नहीं आई सुबह डोलो, जो मैं बोल रहा था खाना खाते भागी ना, फिर तेरी वजह से ही हुआ है। उसके बाद से पड़ी हुई उसके बाद से जाके अपनी लेट गई आके। तेज से जाके इसका मतलब क्या होता है? तेज से जाके मतलब दुल्हन करती है कुछ समथिंग। वही है, तू जब से तेरी शादी हुई है तेरी दुल्हन ही है। तो तुम पे से कोई बनती रहा तो क्या करूँ मैं ही हूँ ना फिर। गाली पड़ी है तेरे मुंह पे, गाली। और तू? मेरे तो अभी प्लान्स भी नहीं है ना, तेरे है ना? ऐसा कुछ नहीं, चार साल से। यार ये ज़्यादा है। अरे यार तू गाइस कैन हेल्प। हाँ अच्छा, इनको शादी करनी है यार, तू क्या ब्लॉग बना रही है घर बार के यार। हाँ ये हिंदू, और अगर आप लोग चाहेंगे तो ये और 5 kg कम भी कर लेगी। नहीं इन बातों के लिए मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी। नहीं यार इन्होंने मुझे खुद कहा है ये, शायद से पहले लहंगे में अच्छे लगने के लिए हर लड़की करती है। सीमा आंटी तेरा वीडियो देख लिया नंदू में तेरा? ओ हाँ सीमा आंटी को कोई जानता है? अकेली रहती है लड़की, सीमा आंटी की क्राइटेरिया में ही है। हाँ सीमा आंटी को एटलीस्ट 4 BHK चाहिए। अटेंशन सीकर तुम हो, अभी आप बदल तुम रही नहीं हो। हाँ बिगड़ी हुई लड़की, सिंगल अपार्टमेंट। ये बिगड़ी हुई लड़की, अटेंशन सीकर, इनके लिए कोई रिश्ता बताइए प्लीज। देखो क्या कर रही है ये, डिस्प्ले ऑफ हर बॉडी। वैसे ही घर अच्छे से संभालती है, ये भी संभालती है, इनके लिए लड़के बताओ। जब मेरे जैसों की हो गई शादी तो इनकी तो हो जाएगी। I'm gonna surprise Smriti right now because she wants to remove me from the Mr. and Mrs. Gigi group. But wait and watch, I'm not gonna let that happen. She doesn't know I'm coming. Where's the place? Where? आवाजें आ रही हैं। यही होगी जगह। क्या लगा था तुम्हें? क्या लगा क्या था तुम्हें? What? किसने दिया है? क्या लगा कि मुझे मिस्टर एंड मिसेस जीजी से बाहर निकाल दिया जाएगा? कैसा लगा हमारा सरप्राइज? वाह देखो घर की तरफ बोला था कि आप बोलते हैं पर तेरे डैड से पहले बोल। लेट मी इसको एड्रेस बताए क्या? ये आज का होटल में बातें कर रही है। एड्रेस ठीक और एड्रेस किसने दिया? डमशिस के ऊपर बोला था ना कल रात को सोने से पहले। किसने बोला था डमशिस के ऊपर? तो पूछा अपने ऊपर नीचे मैंने पूछा कहीं नई मैडम को एक शिफ्ट यूनिट पर नई जो आई है वो इस विंग में जाओ। और मेरा स्वागत चूहों ने किया है, बड़े बड़े चूहे, इतने बड़े चूहे नीचे। बी रेडी नंदू फॉर योर न्यू बिल्डिंग। मिस्टर जीजी आ गए, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जोकिंग।
क्या हो रहा है, देखी माय वीडियो या आई नीड टू बी इन मिस्टर मिसेस जीजी फर्स्ट। मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आज इसका वैसे भी लास्ट डे था मिस्टर एंड मिसेस जीजी में, क्योंकि ये कोई भी ब्लॉग में पिछले 10 ब्लॉग्स में नजर नहीं आया, तो मैं उस ब्लॉग का नाम चेंज करके मिसेस जीजी करने वाली थी। कैन यू गेट द जीजी आउट ऑफ द जीजी? यू कांट। यू कैन गेट द एसके आउट ऑफ द जीजी बट यू कांट गेट द जीजी आउट ऑफ द जीजी। नो, सो आई एम स्टिल मिसेस जीजी, तो मैं मिसेस गौतम गुप्ता तो हूं। और जी हां, कम ऑन, किस मेकअप पे इशारा? अभी भी किस मेकअप? खुद आउटसाइडर्स मेरे, अच्छा सॉरी, हु वांटेड टू हियर किस एंड मेकअप? अच्छा, कैन यू गाइस हरी अप एंड गिव मी अ हाउस टूर? दिस लुकिंग अमेजिंग, दिस इज लुकिंग अमेजिंग, आई एम रियली अमेजिंग। एंड दीस गर्ल्स, व्हाई यू गाइस ऑलवेज लुकिंग एट द ग्लास हाफ फुल? ओ अरे, किसी ने नोटिस ही नहीं किया मैंने गलत बोल दिया। Why you guys always looking at the glass? Yeah, because we are positive people, तो हमें बुरा नहीं लगा ना, इसलिए समझ गए। चलो चलो दिखा देते, चलो चलो ये देखे, चला दिखा देते। ये किचन है दीदी, ये मेरे हस्बैंड। नमस्ते नमस्ते। इतना बोलते नहीं है, ये एक्टिंग करते हैं अभी कैमरा के सामने। हाँ बिल्कुल, हम शॉक शर्मा के निकल जाते, हम बहुत शॉक है यार। तुम मेरे हाउस टूर में थे, मेरे बिना तो पीछे सब आना है, बेड रेस्ट एंड ऑल दैट। ओ बेड और रेस्ट एंड ऑल दैट। ये मुझे किचन में ले जाती है, ये किचन है, दिख रहा है फ्रिज है, ये यहाँ बेड रखा है, ये बेडरूम है, मतलब क्या हो क्या रहे? पर ब्रोकर्स भी ऐसे ही घर दिखाते हैं। ये देखिए किचन है, ये अलमारी है, ये कबर्ड्स हैं, देख लो इन्हें, ये दरवाजा है, और ये क्या है? ये शीशा है, यहाँ पे ये सिंक न्यू लगाया हमने। गौतम, यू लाइक द हाउस? आई लव द हाउस, पर आई लव द सरप्राइज। मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। मैंने इसको सुबह बताया था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी आज नंदू के शिफ्टिंग का, और ये भी हिंट दे दिया था कि आपको निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, वो तो मैं इसको बहुत दिन से बोल रही हूँ कि निकाल दिया जाएगा, वो सिर्फ आज का हिंट नहीं था, वो रियल था। डोलो मिली की नहीं? ओ फायर तो नहीं। रीड वाज द नेम, डजंट लुक लाइक डोलो, डोलो राउंड। रीड वाज द नेम, क्रोसिन, डोलो की बहन, पागल की बच्ची। एक मिनट दे, ये मम्मी को बोल, इसमें से ये डोलो है, इसको लग रहा है हर कोई, हर ब्लू चीज डोलो नहीं होती। तो किसी में डाइजिन खा ले, कान में दर्द है, डाइजिन खा लो भाई, डाल भी दे अंदर, कोई और प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब मिल गए, डोलो दे दे मुझे, नेबर्स ने आज ही निकाल देना इनको। यार मेरे पास सामान की जगह ही नहीं है, डोलो मिल गई है, इतना सामान है। मेरा मन कर रहा है कि मैं तेरे भी कान में मार दूं, प्लीज यू यार प्लीज। कैन यू अंडरस्टैंड दैट शी गॉट हर ईयर थिंग बाय स्क्रैचिंग हर ओन ईयर्स? या हेल्प हर आउट यार, ये अपना हनीमून मनाने लग गए हैं यार। हेल्प हर आउट यार, यार इसको डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा कॉन्शियस ये है। किस चीज में? अच्छा मैं कॉन्शियस हूँ, दिखा दे जरा। नहीं हमारे पे है कैमरा यार, वो क्यों कॉल उस पे है भी नहीं। और अभी हम दिखाएंगे हमने क्या डांस किया है, दिखाइए प्लीज। नहीं कह रहे हैं, आई एम सेइंग दैट द कन्वर्सेशन स्टार्टेड विद इफ यू वांट सम थिंग्स आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइंग अराउंड, वी हैव अ लॉट ऑफ दिस सोफा, देयर आर सम कबर्ड्स, कबर्ड्स भी है, इज एन अमेजिंग मिरर, दिस इज लाइक 1/10 ऑफ दैट मिरर। अरे आई आल्सो वांट, आई थिंक इट्स गोना गेट थ्रोन। ये सब खरीद लिया है और अब इन्होंने खुलासा किया कि इनके पास सब है। आई स्पेंट 2 लाख ऑलमोस्ट। हां आप बोल, दिस ईयर Who asked you this special relax? I don't ask you this special relax. Are you fucking crazy right now? तू जिम नहीं जाती, तू झूठ बोलती है। यानी अब बोल रहा है यार, इसको कब से पता है? अच्छा बिग सोफा। बिग सोफा नहीं चाहिए था। लगा ले जब मिल रहा है तो यार। काटी छोड़ा कर। खरीद लिया है मैंने। रिटर्न करो। ब्लू कलर अपना सोफा दिखा चल। कौन सा वाला सोफा जीजी हाउस में जो था? कौन सा? ब्लू ग्रीन, वो हमारे पास भी ब्लू ही है नंदू। अबू जानी संदीप खोसला का। मैं क्या, मेरा फोन ही नहीं मिल रहा पहली बार। तू डोलो खा ले। क्या किया मेरे साथ गौतम ने? तुमने ये वाला सोफा खरीदा है, दिखाओ। अच्छा है, ये कहाँ आ रहा है, इस वॉल पे कि इस वॉल पे? अच्छा नाइस इट इज। कहाँ से लिया? पेपर फ्राई से लिया गया है सोफा। मैं देख रही हूँ, बिल्कुल अभी फोन खींचने वाली हूँ गौतम का। मैंने डोलो खा ली है, दर्द अभी तक गया नहीं है, शायद मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये सब संभलने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको सारा दिखा दूंगी कि ये सजने के बाद कैसा घर लग रहा है, पर उसमें कई दिन लगेंगे, आई थिंक सो, महीने भी लग सकते हैं। बट द बेस्ट सरप्राइज वॉज Gautam came here and it was actually a surprise. Everyone, he made everybody happy. Suddenly energy aa gayi hamare andar.
पर अब मैं दोबारा मर जाने वाली हूँ, मतलब बेहोश टाइप। अरे कुछ बोलना, मैं अपना बक बक करती हूँ, आपको घूरे जा रहा हूँ। बट आई समथिंग टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। वो पहली बार सब्सक्राइब ठीक बोला है, पता क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब। लिसन हेलो, 10 बार बोल सब्सक्राइब 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 बोल, सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। प्रैक्टिस करके आए, प्रैक्टिस करके आए 100%। ये क्या तरीका है यार, मैं तेरे को सारे ब्लॉग दिखाती हूँ पुराने, मतलब निकाल दो ब्लॉग से, सब्सक्राइब बोलना नहीं आता है, वो क्या रहा है, व्हाई व्हाई बी नाइस टू मी, व्हाई नॉट, आई एम वेरी नाइस टू यू वेयर इट इज रिक्वायर्ड 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 व्हाट अबाउट दैट। ओके गाइस, signing off, and this is her eating food, her first meal of the day. Chalo bye bol do, thank you bol do, bye bye bye.